पंचायत व्यवहारी के अंतर्गत ग्राम पंचायत अनहरा के ग्रामीण जनों को खाद्यान्न लेने के लिए प्रतिमा लगभग 8 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था, जिससे अनहरा के ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इससे राहत पाने के लिए सभी ग्रामीणों ने कुछ दिनों पहले विकास यात्रा में इस समस्या को रखा, तो व्यवहारी विधायक शरद कोल द्वारा ग्रामीणों को इस समस्या से छुटकारा दिलाया गया, जिससे समस्त ग्रामजनों में खुशी का माहौल है। अभी कोटा जो दूसरे जगह में था, वो अभी नादो से हमारे यहाँ तिवारी जी के द्वारा हमारे अनहरा में पहुंच गया है। इससे हम लोगों को बड़ी लंबी सुविधा मिली है और गांव के नागरिक लोग जो हैं सभी टाइम टाइम से ले जाते हैं और कोटा जाने के बाद सबको राहत मिली है, आनंद पूर्वक से सब ले जाते। नहीं, बहुत दूर था। पहले कहाँ था? पहले नादो में था, यहाँ 3 किलोमीटर पहाड़ी घूमकर 3 से 8 किलोमीटर के बीच में घूमना पड़ता था, तो अब चला गया है हमारे गांव में। कहाँ खाद्यान्न कहाँ मिलता था पहले, अब कहाँ मिलने लगा है? पहले नादो में बंट रहा था, अब जो है तो यहीं हमारे गुरु बाबा के आशीर्वाद से पहुंच गया नहरा कोटा। अब सब लोगों को अच्छा जो है तो यहीं है कि बढ़िया कायदे से गांव में मिल रहा था, सबको सुविधा हो गई, अच्छे से सबको मिल रहा है। अब बहुत अच्छा कोटा गाँव में हो गया है, तो अच्छे से मिल रहा, सब लोग खुशी हैं हमारे गाँव के। विकास यात्रा के समय में सबकी शिकायत आई और पहले से भी शिकायत होती थी कि गल्ला लेने हम लोगों को 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरी, बरसात है गर्मी है लेने आना पड़ता था, बड़ी परेशानी होती थी। तो हम लोगों ने प्रयास किया, विधायक जी ने प्रयास किया और आश्वासन हुआ कि 10 दिन के अंदर गल्ला जो है अनहरा बटने लगेगा। तो ये पहले नादों में था कोटा, तो नादों से उठ के अब अनहरा चला गया है। अब सभी ग्रामवासी खुश हैं, सबको गल्ला मिल रहा है, टाइम से खाद्यान्न मिल रहा है। ये जो ब्रजवासी लाल तिवारी हैं उनका भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग है और ये इन्हीं के सब माध्यम से सभी कार्य हुए हैं। और खाद्य अधिकारी माननीय तहसीलदार साहब, सब लोगों ने आश्वासन दिया था 15 दिन के अंदर कोटा वहाँ चला गया। कितने साल से संचालित हुआ था नादों में कोटा? नादों जो में गया है 94 से, आज कम से कम 26-27 साल से कोटा यही था। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बेचारों को पैदल आना पड़ता था यहाँ, जो अथक प्रयास से कोटा वहाँ चला गया। सबको खाद्यान्न मिल रहा, सब खुशी हैं, सब प्रसन्न हैं। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।